हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड क्रिया चैनल पे। आप प्लान कर रहे हो अपने मास्टर्स या बैचलर प्रोग्राम के लिए और आपको पता नहीं है आपको कौन सी चीज़ें कैरी करनी चाहिए जाने से पहले या जाने के बाद आपको कौन सी सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। तो आज इसी वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या आपको जाने से पहले रखना चाहिए और जाने के बाद आपको कौन कौन सी हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज पे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपका प्लान कर लिया, आपने वीजा के लिए जवाब जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, देन तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सो मेजर फैक्टर रहेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। देन आपका एक ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका फाइनेंशियल प्रूफ रहता है, जिसमें आपको 11,000 यूरो समथिंग आपको शो कराना रहता है एज अ फाइनेंशियल के तौर पर। देन जो जर्मनी है वो कैश कल्चर है, मीन्स आपको कैश कैरी करके चलना पड़ेगा। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रोसरीज की शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो देन आपको कैश लेना कंपलसरी है क्योंकि वहां पे ऑनलाइन चीजें काफी कम होती हैं। इस वजह से आपको कैश कल्चर वहां पे सबसे ज्यादा चलता है। देन संडे क्लोजर, जो संडे रहता है वो ऑफ रहता है, तो जो भी आपका ग्रोसरी का सामान है वो आपको मंडे टू सैटरडे डेज में आपको ले लेना है क्योंकि संडे ऑलमोस्ट वहां पे जितने भी ग्रोसरी शॉप्स हैं वो क्लोज रहती हैं। देन लैंग्वेज मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज है। अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो मेरा सजेशन आप जल्द से जल्द सीख लें क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको सर्वाइव करने में इजी रहेगा। क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ऐसे फील्ड, ऐसी फील्ड में आप जॉब करेंगे जहाँ पे जर्मन रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको पहले से सीख लें, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे आपको जर्मन नहीं आती है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। बट उससे फाइट करिए, देन आप उससे पहले ही चीजों को ग्रैब करिए तो वो ज्यादा आपके लिए इजी और प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि कौन कौन से ऐप आपको रखने चाहिए जाने। डाउनलोड करिए डीवी बान, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा इजी रहेगा। मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ये हैं वहाँ पे जर्मनी में, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। देन सेकंड है हैंडी फॉर टिकट एंड शेड्यूल्स के लिए। हैंडी एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड करके रखिए क्योंकि ये दोनों ऐप आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपको जब आप जर्मनी में डिपार्चर हो जाएंगे। देन आप जब पहुंच जाएंगे ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स, डोंट फॉरगेट योर पासपोर्ट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड स्पेयर पासपोर्ट फोटोज। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो आप अपनी कॉपीज आप अपने पास रखिए। पता नहीं कब, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो काफ़ी सारे जगह पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो चाहे वो अपने रेसिडेंस के लिए हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने पास एक सेट ऑफ कॉपीज आप हमेशा अपने पास रखिए। देन पैकिंग इंक्लूड द थर्मल्स, जर्मन विंटर कैन बी चिली, जो जर्मन का एनवायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इस वजह से आपको ऐसे कपड़े रखने हैं वार्म एट द फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हो ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे कपड़े जो आपके लिए वहां पे कंफर्टेबल हो। देन जब आप पहुंच जाते हो देन आप वहां पे कुछ विंटर क्लॉथ्स हैं वो आप परचेज किए, वो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। क्योंकि जब आप किसी और कंट्रीज में रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, जो यहाँ पे विंटर्स के क्लॉथ हैं वो अलग डिफरेंट वे में होते हैं, उतने गर्म नहीं होते हैं। देन आप जर्मनी जाएंगे, वहाँ के जो क्लॉथ रहेंगे विंटर क्लॉथ, वो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो देन मेरा सजेशन है कि आप जितने कम अभी विंटर क्लॉथ लेके जाएं, ऑलमोस्ट 2 to 3 अभी आप रख लीजिए, देन जब पहुँचने के बाद देन उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। अकोमोडेशन, जाने से पहले आपका वीज़ा वगैरह सब हो जाता है तो आपको अकोमोडेशंस के लिए अप्लाई करना रहेगा, चाहे वो आपके हॉस्टल्स का रहे जर्मन में, या अगर आपको अपार्टमेंट लेना है या किसी के साथ रहना है शेयर्ड अपार्टमेंट, तो उसके लिए भी आप वेल प्रिपेयर रहिए। कंफर्म योर स्टे बिफोर लैंडिंग, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब आप ऐसा कर सकते हो, लैंडिंग होने के बाद आप होटल ले सकते हो, 7 डे का स्टे किए, उतने ड्यूरेशन के बीच में आप एक अपने लिए अपार्टमेंट सर्च करिए तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज अभी भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन या किसी बोलेंगे अपने नेटवर्क के थ्रू आप अपार्टमेंट को परचेज कर सकते हो, वो ज़्यादा आपके लिए दोनों चीज़ें ईजी हैं। आप किसी को भी एज पर योर चॉइस आप किसी को भी चूज कर सकते हो। मेडिसिंस, आप अपने साथ कुछ मेडिसिन लेके जाइए, जस्ट लाइक एज फीवर, हेडेक, कुछ नॉर्मल मेडिसिन जो आपके लिए यूजफुल रहे, वोमिटिंग वगैरह की, इस टाइप से कुछ मेडिसिन आप अपने पास रखिए क्योंकि वो
पता नहीं आपको कब टाइम पे आपको कहाँ पे जरूरत पड़ जाए, देन उसके लिए देन फूड कैरी सम इंडियन स्पीसीज फॉर द इनिशियल डे, जो क्योंकि जो इंडियंस होते हैं उनको मसालों का काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है, एंड जो वहाँ पे आपको मसाले मिलेंगे स्पीसीज मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट या फ्लेवर्स अलग हो तो आपको पसंद नहीं आएंगे, तो मेक श्योर जो आप फ्लेवर्स या कुछ अपना खाने रख रहे हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एक ऑलमोस्ट एक टाइम के लिए उसको आप पैक करके रखिए। रिमेंबर जर्मनी ऑफर अ लॉट, जस्ट बी पैक्ड सेफ ट्रेवल, जैसा कि मैंने बोला जर्मनी काफ़ी अच्छा है, देन आप वहाँ पे जाके अपनी स्टडी करिए, जो भी आपके डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको फेस करिए, उनसे बैकआउट मत कीजिए। देन इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। देन मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।